नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउस प्लानिंग नंबर 21, जिसका साइज़ है 20 फीट बाई 40 फीट, टोटल एरिया 800 स्क्वायर फीट और ये तीनों साइड से कवर्ड है और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट है। हम जो प्लानिंग आपसे डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट होती है और आपसे अनुरोध है कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले किसी एक्सपर्ट से प्लानिंग ज़रूर करवाएं, नहीं तो बाद में बहुत सारी समस्या आती है। अगर आप हमसे प्लानिंग करवाना चाहते हो तो वीडियो के अंत में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे हमें व्हाट्सएप कर संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान की। इसका साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ 20 फीट बाई 40 फीट। तो पहले नंबर पे आता है पोर्च, जिसका साइज़ है 13 फीट 4 इंच बाई 8 फीट 4 इंच। यहाँ पे आप बढ़िया सी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना सकते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं गार्डन, जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 11 फीट। जो घर बना हुआ है वो 4 फीट छोड़ के बना हुआ है और हमेशा अपने को घर बनाने से पहले कम से कम 3 फीट 4 फीट जगह छोड़ के ही बनाना चाहिए, जो सामने गार्डन जैसा डेवलप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं ड्राइंग रूम की, इसका साइज़ है 13 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 8 इंच। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है किचन, जिसका साइज़ है 8 फीट बाई 8 फीट 4 इंच। इसका वेंटिलेशन पोर्च में हो रहा है, किचन का वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं पाँचवें नंबर पे डाइनिंग की, डाइनिंग का साइज़ है 9 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 8 इंच। डाइनिंग के साथ एक वॉश बेसन बहुत ज़रूरी होता है, खाना खाने के बाद हाथ धुलने के लिए, जो टॉयलेट वॉल पे दिया हुआ है। छठवें नंबर पे बात करते हैं डक्ट की, जिसका साइज़ है 6 फीट 6 इंच बाई 3 फीट। ये डक्ट जो होती है प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए होती है। ये डक्ट से दोनों टॉयलेट में वेंटिलेशन लाइटिंग और बेडरूम में वेंटिलेशन लाइटिंग हो रही है। सातवें नंबर पे बात करते हैं बेडरूम की, जिसका साइज़ है 11 फीट 4 इंच बाई 12 फीट 8 इंच। इससे अटैच एक टॉयलेट है, जिसका साइज़ है 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 4 इंच। और इसी के साथ में इसमें एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, जिसकी एक्सेस डक्ट से है, जिसका साइज़ है 6 फीट 6 इंच बाई 3 फीट। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं प्लानिंग आपको कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।